गालियां देनी है, आई टेल यू दे डालो उनको वो गालियां, जितने आपको एक्चुअली में वो फील करना है कि यस इसी चीज का तो इंतजार था, आई एम फीलिंग लाइटर मुझे। हाय गाइस, हरे कृष्णा। दोस्तों यू वॉन्ट बिलीव कि मेरी आज की सुबह की जो शुरुआत हुई है ना वो ढेर सारी गालियां सुनकर हुई है एक्चुअली। अब देखो सुबह सुबह मेरे यहीं से किसी वियर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया और इतनी सारी गालियां दी हुई थी, ऑब्वियसली मुझे नहीं दी हुई थी। उनका पास में किसी के साथ रिलेशनशिप था जो टूट गया, जिसके बाद में वो बहुत नेगेटिव हो गई हैं और उनके मन में उनके लिए बहुत गंदे विचार हैं हमेशा, लाइक उनके लिए बद्दुआएं, जिस टाइप की उन्होंने जो बद्दुआएं बोली हुई थी ना, मैं लिटरली यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ, इतनी बद्दुआएं उनके मन में उनके लिए निकलती है। उनको लगता है कि उस समय मेरे अंदर अक्ल नहीं थी, काश उस दिन मैंने उसको ये जवाब दे दिया होता, वो मेरे सामने आ जाए ना, मैम मैं ये कर दूँ, भगवान करे उसके साथ ऐसा हो। तो ये सारी चीजें है। मजे की बात ये है ना कि हम में से जो ज्यादातर लोग हैं वो अपनों की वजह से दुखी हैं एक्चुअली में। अब अपने वो कौन है, अपने वो जो हमारे दिल के कभी बहुत ज्यादा करीब थे या करीब हैं, इट कैन बी योर अपना, आपका ब्लड रिलेशनशिप, भाई भाई, राइट, ताऊ जी, चाचा जी, सास बहू, आपकी वाइफ के ससुर जी, आपके साले, आपके बॉस, आपके अपने जिगरी दोस्त, जिगरी यार, या अपने भाई बहन यार। मतलब आजकल कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो अपनों को देखकर खुश हो। कोई रोड में चलता हुआ इंसान आपको दुखी नहीं करेगा, उसको कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, आपकी निजी जिंदगी में क्या है, राइट। आपको जो दुखी करने वाले लोग हैं वो लोग हैं जिनको भगवान ने आपके लिए एक्चुअली में धरती पर उतारा है कि भाई ये नाग बन के तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे और तुम्हें रोज डसेंगे, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं लाइक जिनको हम जबरदस्ती हम अथॉरिटी दे देते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जिनको हमने जबरदस्ती सर पर चढ़ा लिया। देखो अपने सगे संबंधियों में, अपने खून के रिश्तों में भी आपको कुछ लिमिटेशंस रखनी चाहिए। हर किसी का हक नहीं है आए और घंटे की तरह आपको बजा के और चल दिए, राइट। तो आज के मुद्दे की बात यह है कि कैसे आप नेगेटिविटी से दूर रहें। बहुत सारे रिश्ते आपके इर्द गिर्द आपको नेगेटिव करने पे एक्चुअली में तुले हुए हैं, जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान हैं, आप गुस्से में हैं, आपका गुस्सा फूट फूट के निकलता है। आप जब भी अकेले में बैठे हैं आपके दिमाग में वही सारे ख्याल घूम रहे हैं कि काश मैंने उसे ये बोल दिया होता, भगवान उसका ये कर दे, उसका सत्यानाश हो जाए। मैंने सुनी है ये बातें, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नेगेटिविटी से दूर रहें। किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप कैसे आज की डेट में खुद को हर्ट ना करें और अपनी बाकी की जो लाइफ है उसको पीसफुल जिए, जो पिछला जो हो गया वो हो गया, राइट। दोस्तों मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, हीलर, मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने का। तो अगर आपकी लाइफ में कोई कोई प्रॉब्लम है, नॉट टू वरी, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम करके मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन लेकर मुझसे पर्सनली फोन पर बात कर सकते हो। एंड साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आज आप मेरे YouTube चैनल पर गलती से नए आ गए हो तो मोस्ट वेलकम, रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके आपको फायदे इतने होंगे कि आपको मेरी प्यारी से शक्ल देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको अपनी ढेरों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। और सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री है, तो रेड बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ। देखो यार, आज की वीडियो में ना मैं आपको सिंपल से टिप्स बताऊंगी आप कैसे अपने अंदर जो चल रहा है ना उसको परमानेंटली जड़ से उखाड़ के फेंक दें। उसका एक्चुअली में एक टोटका है, वो टोटका मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको एक लाइफ की एक ऐसे कूजे दूंगी जिससे कि आप ऐसे लोगों की तरफ ना ऐसे पलट के नहीं देखेंगे, राइट। बार बार जो आपको बोलते हैं ना पलट पलट, और आप बार पलट पलट के देखते हो और खुद को फिर दुखी करते हो, राइट, उन मेमोरीज में खुद घुस जाते हो उस गड्ढे में। तो वो चीज़ मैं बताऊंगी आप कैसे उन चीज़ों से परमानेंटली दूर हो सकते हो। सबसे पहले आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि भाई इस दुनिया में आए हो तो यहाँ पर सिर्फ खुशियाँ बटोरने के लिए नहीं आए हो, राइट। कभी लाइट है तो कभी लाइट नहीं है। लाइट है तो सब कुछ चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, और लाइट नहीं है तो ये सब कुछ ठप का ठप है, राइट। तो हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं होने वाली है। दुनिया में आए हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और ये भी समझो प्रॉब्लम आएंगी तो उसके बाद में उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, चीज़ें अच्छी भी होंगी, राइट। तो ऐसे नहीं सोचना कि आप ही की जिंदगी में ऐसा है, आप ही की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। यू विल नॉट बिलीव यार, नरेंद्र मोदी, उसके कितने दुश्मन बैठे हैं, राइट, उसको लोग कितना बुरा भला बोलते हैं, क्या उसको कुछ कद्दू फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो ऐसे ही घूम रहा है शेर की जैसे, राइट, सॉरी, वो ऐसे ही घूम रहे हैं शेर के जैसे। वैसे ही आप सोचो, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इतने फेमस लोग हैं, अंबानी है, बिल गेट्स है, कितने लोग हैं, मैं हूँ यहाँ पर सिस्टर आरती, कितने लोग हमें कमेंट सेक्शन में बुरा भला बोलते हैं, कितना कुछ बोल देते हैं, राइट।
अब मेरी हालत ये है कि अगर आप कोई मुझे बुरा भला बोलता है तो मुझे लिटरली हंसी आती है कि यार ये लोग मेंटली इल हैं, इन लोगों में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दिस ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। तीसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपके मन में जितना भी कचरा उन लोगों के लिए है, ऑब्वियसली अगर किसी के लिए हमारे मन में नेगेटिविटी है, हमारे मन में गुस्सा है, तो वो कचरा ही है, राइट? राइट डाउन दैट कचरा ऑन अ ब्लैंक पेपर, एक अच्छा सा ब्लैक कलर के पेन से आप लिख दो उसको एक पेपर पे, पूरे गुस्से के साथ, पूरे इमोशंस के साथ उस चीज़ को लिख डालो, पूरा पेपर भर डालो। जितनी गालियाँ देनी है आई टेल यू दे डालो उनको वो गालियाँ, जितने जवाब उनको देने थे ना जो आपने उस दिन नहीं दिए थे, जिस दिन आपको देने चाहिए थे, वो भी लिख डालो, अच्छे से लिख डालो, राइट? उसके बाद में क्या करो, उसको पढ़ो, गो थ्रू इट, और जितनी उनकी लगानी है ना लगा दो। उसके बाद में आपको एक्चुअली में वो फील करना है कि येस, इसी चीज का तो इंतजार था, आई एम फीलिंग लाइटर, मुझे खुशी मिल रही है, और फिर उसको लो और उसको फाड़ दो, एक दो तीन चार पांच छह नहीं 62, यस 62 पीसेस आपको उस पेपर के करने हैं, राइट? क्योंकि 62 इसलिए बोल रही हूँ, देखो जब हर उसके साथ में इंटेंशन फट रही है, हर उसके साथ में आपकी एक इंटेंशन फट रही है, हर एक नेगेटिविटी जा रही है, तो दो चार पीस करोगे तो वो गुस्सा बाहर नहीं जाएगा। जब तक तो उसको ठीक से छेद ना लो ना, वो गुस्सा बाहर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से छेद देना है, तो लिख कर फाड़ दो अच्छे से, कुचुम्बर बना दो उसको लिटरली। उसके बाद में उसको आप एक बर्तन लो, उस बर्तन को पानी में रखो, बर्तन में, और उसको उसमें डाल दो, इस इंटेंशन के साथ कि उस इंसान को और उसकी जो मेमोरीज को, वो सारी बुराइयों को, अपने उस गुस्से को, उन चिड़ावट को, उस नेगेटिविटी को मैंने इस पानी में स्वाहा कर दिया है, राइट? ये करने के बाद आप क्या करो, उस पानी को उठाओ और दूर कहीं जाके किसी पेड़ पौधे में डाल दो, या जहां आपका मन करे वहां आप उसको डाल दो। यू विल डेफिनेटली फील लाइटर, श्योरली यू विल फील लाइटर एंड यू विल फील हैप्पियर। उसके बाद में अपना नहा लो, नहाना है तो फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, दूसरे कपड़े चेंज कर लो, एंड ये एक ऐसा टोटका है जो एक्चुअली में आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, आपके मन में जो चीज़ें रह जाती है, क्योंकि कितनी चीज़ें होती हैं जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर नहीं कर पाते हैं ना। हमारी फैमिली मेम्बर्स अब इतने बोल्ड, इतने ओपन माइंडेड तो होते नहीं है कि हम सब कुछ उनके साथ में ऐसे ठा 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 वो बोल दे, और अब कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो हम उनकी पिट्टी करके आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, राइट? तो ये चीज़ एक्चुअली में काम करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ में ये चीज़ काम करती है। लाइक जब भी मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव, ऑब्वियसली हम सभी लोग नेगेटिव होते हैं, राइट? ग्लास है, ग्लास में पानी है, हम पियेंगे, झूठा भी होगा, दोबारा उसको मानना पड़ेगा ना, राइट? वैसे ही तो हम सबके साथ में चीज़ें होती हैं, चाहे मैं हो, तुम हो, कोई भी हो, राइट? तो हमें क्या करना है, वी नीड टू टीयर ऑल दीज थिंग्स और उसको स्वाहा कर देना, राइट? तो ये कुछ सिंपल सी ट्रिक थी, एक सिंपल सा टोटका मैं बोलती हूँ वो था, वो आप अपनाओ, छोटा सा वीडियो था, एंड कोई प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकती हो। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हरे कृष्णा।